हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर है यश कैमेक्स, जहाँ पर पैसा आपका डबल हो सकता है। और मार्केट में देखिए इतनी गिरावट हुई है कि आपका पैसा लगभग 20% 30% तक टूट चुका है विद इन फ्यू डेज। बट अगर हम देखें ये पर्टिकुलर स्टॉक्स 1 रुपये तक नहीं टूटा है, सिंपली वहाँ पर स्टैंड हुआ पड़ा है। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये सब कुछ क्राइसिस खत्म होगा तो ये शेयर सबसे पहले भागेगा। बट मार्केट में यही एक लौता शेयर नहीं है, और भी बहुत सारे लौते शेयर है जिनके बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको निगाहें बनानी चाहिए और उन शेयरों को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब बाउंस बैक की बात होगी तो यही स्टॉक सबसे पहले बाउंस बैक करेंगे और सबसे ज्यादा रिटर्न अच्छे यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करो या स्विंग ट्रेड की बात करो, यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप नजरें बना के रखिए, और चाहे तो बाय ऑन डिप्स करके अभी भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके। और इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना सपोर्ट करेंगे उतना बेहतरीन वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे और लेवल बताते रहेंगे, कब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है वो भी आपको बताते रहेंगे, एज वेल एज हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में आपने थंबनेल में देख लिया कि एक मेला लगा हुआ है अच्छे शेयर्स का, कि आप यहाँ पर अच्छे शेयर्स को यहाँ पर इजीली यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और उन शेयर की तरफ नजरें तो बना ही सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर ही सकते हैं, बट चाहे तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी अपना सकते हैं। तो एक एक करके उन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर HDFC AMC की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर HDFC बैंक को आप यहाँ पर अपने माइंड में सोच सकते हैं। ओके, एक अच्छा लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक अच्छा सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो कह नहीं सकता, बट जैसे ही यहाँ पर चीजें जब अच्छी होती हुई नजर आएगी तो जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल्स है, जिस तरीके के इसके रिजल्ट है, ये चीजें यहाँ पर सबसे दोबारा बाउंस बैक होती हुई नजर आएगी और अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो HDFC बैंक की तरफ ध्यान दीजिए, एज वेल एज यहाँ पर आप ICICI बैंक की तरफ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर ये सपोर्ट टूटा तो याद रखिए थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, तो ये गिरावट चलती रहती है नो डाउट। ओके, बट चीजें ऊपर जानी है तो ऐसी चीजों को बाय ऑन डिप्स करके आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, इस शेयर की तरफ भी आप यहाँ पर निगाहें बना सकते हैं। इसके ये भी यहाँ पर एक अच्छे खासे लेवल पर चल रहा है, बट चीजें जब ऊपर जाएगी तो याद रखिए यही शेयर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देते हुए नजर आएंगे। तो बैंक में काफी सारे शेयर है, यहाँ पर प्राइवेट भी है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट शेयर भी है, तो उनकी तरफ भी यहाँ पर आप निगाहें बना सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर एज वेल एज हम बात कर लेते हैं PNB बैंक की, हम बात कर लेते हैं SBI बैंक की। तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ नजरें बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ पर ही आके ये स्टॉक्स यहाँ पर रुक रहे हैं, जब ऊपर जाएंगे तो 20-30% के रिटर्न तो इजिली मिल जाएंगे, बट यहाँ पर चीजें रुकनी नहीं है, चीजें ऊपर आनी है, याद रखिएगा। अब ऐसी SBI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ भी आप यहाँ पर दिखाई ध्यान दे सकते हैं, अच्छे खासे लेवल पर ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई 200 DMA के नीचे है, कोई 200 DMA के सपोर्ट पे है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारे शेयर यहाँ पर नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक से रिलेटेड। तो देखिए मुझे लगता है कि Nifty IT ओके, यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया था, बेहतरीन रिजल्ट थे, इसके बाद भी चीजें नीचे आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन को यहाँ पर एडजस्टमेंट करना था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी, जहाँ मार्केट को सपोर्ट दिया था, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर ने ही यहाँ पर आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आया था और यहाँ पर एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर बाउंस बैक है या डेड कैट बाउंस है या क्या है, यहाँ पर देखते हैं एक बार कि क्या होता है। अगर मार्केट संभलती है तो भी ये शेयर, अगर कि किसी तरीके का क्राइसिस होता है तो भी यही शेयर यहाँ पर अच्छे खासे नजर आते हैं। तो इनमें से अगर मैं आपको बात बताऊं तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, उनकी तरफ आप यहाँ पर नगाहें बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें परसिस्टेंट सिस्टम, परसिस्टेंट सिस्टम बेहतरीन रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद शेयर यहाँ पर भागा भी था, और यहाँ पर देखे तो यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट पर भी नजर आता है। अगर मार्केट में गिरावट होती है और ये शेयर आपको 3700 के आसपास ये मिलता है तो इसे लेने को बिल्कुल भी देर मत करिएगा, इस शेयर की तरफ आप यहाँ पर निगाहें बना सकती है। इसके अलावा माइंडट्री लगातार बेहतरीन बैक टू बैक यहाँ पर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट पेश कर रहा है, और ये भी शेयर भी अगर आपको यहाँ पर 3500 के आसपास, इवन बाय ऑन डिप्स अभी भी कर सकते हैं, 3500 के आसपास मिलता है तो इस शेयर की तरफ भी आप बना यहाँ पर निगाहें बना के रख सकते हैं। इसके अलावा LTTS, यहाँ पर LTTS की तरफ भी आप यहाँ पर निगाहें बना सकते हैं, क्योंकि जब चीजें ऊपर जाएंगी तो ये शेयर भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, अच्छे खासे टूट चुके हैं अपने हाई से
ओके okay, और अभी रिजल्ट आने वाले हैं, जब रिजल्ट आएंगे तो ये शेयर सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा LTI लार्सन टोब्रो इन्फोटेक इस शेयर की तरफ यहाँ पर नजर गाइड बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की, हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड भी यहाँ पर काफी बार आपको यहाँ पर बताया है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक बेहतरीन शेयर है और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। शेयर यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो लिया है, लगभग 37% गिर चुका है। जब चीजें यहाँ पर बाउंस बैक होगी तो यही शेयर यहाँ पर दोबारा भागता हुआ नजर आया था, 350 पे बताया था। अब यहाँ पर दोबारा इस शेयर की तरफ आपको रुझान यहाँ पर दिखा दूं कि इस तरीके से एक कंसोलिडेशन हो चुका है, ये चीजें फिर दोबारा भागती हुई नजर आ सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड एक शेयर हो गया, माइंडट्री से रिलेटेड हमने बात कर ली, और भी बहुत सारे आईटी में स्टॉक्स है। आप चाहे तो इंफोसिस की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर अब TCS पे भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि TCS का बाईबैक हो चुका है। ओके, बाईबैक में अप्लाई करना कोई समझदारी वाली बात नहीं थी क्योंकि एक आध शेयर ही जाना था, बट यहाँ पर आप अब अगर 3300 के आसपास या 3400 के आसपास शेयर मिलता है 100 रुपए नीचे तो यहाँ पर ले सकते हैं ये शेयर, क्योंकि अब 3500 तक इस शेयर को जाने जाना है। तो आईटी स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ केमिकल स्टॉक्स, जैसे कि यहाँ पर दीपक नाइट्राइट एक बेहतरीन पिक है। ओके, यहाँ पर ये शेयर बायोडिप्स करके आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, और अगर 1800-1850 के आसपास ये शेयर मिलता है तो अगेन अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे शेयर एक ऐसे शेयर है जो अपने अपनी इंडेक्सेस में, आप अपने पोर्टफोलियो में या बात करें अपने सेक्टर में अपने लीडर है। इसके अलावा यहाँ पर आरती इंडस्ट्री भी अच्छे तरीके से गिरता हुआ नजर आया, बट इसके रिजल्ट देखेंगे तो सबके नेगेटिव रिजल्ट थे जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, बट इसके रिजल्ट अच्छे खासे रिजल्ट थे। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम आई थी उसे भी यहाँ पर हटा देते हैं, स्टिल यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन थे और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक बेहतरीन सपोर्ट पे शेयर चल रहा है तो इस शेयर की तरफ भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, आरती इंडस्ट्री। इसके अलावा SRF एक पर्टिकुलर शेयर है, इसकी तरफ भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा एक गुजरात एल्कलीज यहाँ पर शेयर है, गुजरात एल्कलीज यहाँ पर निकाल देते हैं। इस शेयर के रिजल्ट काफी बेहतरीन थे, अगर ये शेयर यहाँ पर आपको मिलता है 600 रुपए के आसपास तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा, सीधे पिक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बालाजी अमाइंस ओके और अल्काइल अमाइंस, दोनों के दोनों के रिजल्ट काफी बेहतरीन थे। बालाजी अमाइंस के खासकर काफी बेहतरीन थे, एक बेहतरीन सपोर्ट पे शेयर चल रहा है, नीचे गिरता है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और अभी भी बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति रहनी चाहिए आपकी, तो ये शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक पर्टिकुलर सेक्टर और है जिसकी तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जिसका नाम है ICICI सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर जितने भी ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये शेयर ऑलरेडी अच्छे खासे ऊपर लेके लेवल से अच्छे रिजल्ट है, सबके रिजल्ट अच्छे हैं, बट रिजल्ट बावजूद यहाँ पर मार्केट में गिरावट है, तो ये शेयर नीचे आए हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको यहाँ पर बाइंग करने की। 612 रुपए पे ये शेयर चल रहा है। ओके, एक अच्छे खासे सपोर्ट पे यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर नजर आता है, बट अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो थोड़ा सा और यहाँ पर गिर सकता है और ये शेयर आपको फिर 570 के आसपास यहाँ पर मिल सकता है। तो 570 पे आएगा तो आपको एवरेज करने का मौका मिल सकता है, बट अभी भी इस शेयर को यहाँ पर छोड़िए मत मौका कि यहाँ पर नीचे आएगा तभी खरीदेंगे, क्योंकि ऐसे शेयर बहुत कम ही यहाँ पर नीचे आते हैं। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग ओके, देखिए यहाँ पर डटा हुआ है, नीचे आया था, नीचे आने के बाद यहाँ पर केवल कंसोलिडेशन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो इस शेयर की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं थोड़े बहुत रिटर्न्स के लिए। ओके, अच्छा यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। इसके अलावा CDSL की तरफ भी निगाहें बना सकते हैं, एक बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर काम कर रहा है ये शेयर। ओके, नीचे की तरफ से अगर बात करूँ 1280-90 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, और नीचे की बात करें तो 1100 रुपये तक जा सकता है, बट स्टिल यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति रहेगी, इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा कैम्स इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए, एक बेहतरीन सपोर्ट पे शेयर काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता अब यहाँ से ज़्यादा 2245 से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आएगा, तो इन पर्टिकुलर शेयर की तरफ कैम्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, आईसेक हो गया। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे आपको शेयर चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे पर्टिकुलर सेक्टर के ही यहाँ पर शेयर से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया ओके, उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, बट लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस क्वार्टर तक के ही लिए ही यहाँ पर निगाह बनाइए, ज्यादा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए तो यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा एशियन पेंट्स की तरफ निगाह बनाइए, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि ये शेयर इस तरीके से गिरे और यहाँ पर आपको मिले, बट ये शेयर अभी और थोड़ा सा, अगर ये आज अपना लो 2662 को तोड़ता है तो याद रखिए और गिरावट हो सकती है और 2500 के आसपास आ सकता है, और 2500 या 2200 के आसपास यहाँ पर दो लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आता है तो बाय एंड डिप्स करके यहाँ पर शेयर को एक्युमुलेट करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये शेयर फिर जब भागेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न देंगे, और एशियन पेंट से भी ज्यादा बेहतरीन शेयर जब रिटर्न के मामले की बात हो रही है तो यहाँ पर नजर आता है बर्जर पेंट। जब यहाँ पर चीजें भागेगी तो बर्जर पेंट याद रखिए, इसने
एशियन पेंट से ज्यादा रिटर्न दिए है। एक नामी ग्रामी शेयर है ओके, एशियन पेंट के बाद सबसे ज्यादा बिकता है यहाँ पर बर्जर पेंट, तो इस शेयर की तरफ भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा SMC ग्लोबल, यहाँ पर सर सिक्योरिटीज ये कुछ शेयर है ओके, जो नीचे आ रहे हैं साइड बेस जोन में यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये भागेंगे अच्छे खासे तरीके से भागते हुए नजर आएंगे। और कुछ यहाँ पर आपको स्टॉक्स बताऊं, मेग मनी ऑर्गेनिक, इस शेयर की तरफ भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। 138 रुपए पे यहाँ पर 138 दिखा रहे हैं यहाँ पर, इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए। एक और है मेग मनी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर NSE पे, तो ये 93 पे चल रहा है। अगर ये 890 के आसपास यहाँ पर मिलता है तो इस शेयर की तरफ निगाह बना सकते हैं। ये शेयर जब भागेगा तो अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और मेघमानी फिनकैन, इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, ये शेयर भी आपको और 50-60 रुपए अगर टूटता हुआ मिलता है तो इस शेयर पे भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। कब धेंडर पैटर्न बनना आता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहतरीन रिजल्ट है इन पर्टिकुलर शेयर के, बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर सबके नजर आते हैं। इसके अलावा टानला प्लेटफॉर्म आपको 850 पे बताया था, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर होती हुई दिखाई दी थी, लगभग पैसा डबल हो गया था कुछ टाइम के अंदर अंदर, और अब गेन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। इसके अलावा LGBB इस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, काफी बेहतरीन रिजल्ट है और एक साइड बेस जोन में ये शेयर चल रहा है। जब चीजें अच्छी होती हुई नजर आएगी तो ये शेयर ऑटो सेक्टर का है, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर एक रैली होती हुई नजर आएगी और शेयर को अच्छे खासे मूवमेंट मिलती हुई नजर आएगी। रामकृष्ण फोर्जिंग, इस शेयर की तरफ नजर बनाइए, 768 के आसपास आता है और यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं, बट अगर 768 पर आता है तो यहाँ पर खरीदने की सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को। और कितना गिर सकता है वो तो कोई नहीं बता सकता, तो बस होल्ड करने की राय रहती है। थोड़ा सा आपको अगर चीजें, इसलिए यहाँ पर हमेशा डिलीवरी में चीजें लेने की सलाह दी जाती है, तो LGBB हो गया, रामकृष्ण फोर्जिंग हो गया, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर रैली लगी पड़ी है, ऐसे स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे हैं। चाहे तो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो क्रिएट करा लीजिए, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो नहीं, स्विंग ट्रेड के पर्पज से यहाँ पर शेयर को खरीद लीजिए। चीजें ऊपर जाएंगी, 15-20-25-30% के रिटर्न 6 महीने के अंदर इजीली मिल जाएंगे, और जब चीजें प्रॉफिट बुक करके अगेन जब चीजें नीचे आएगी दोबारा यहाँ पर खरीद सकते हैं। कोई भी चीज हमेशा रैली नहीं करेगी, इस चीज को यहाँ पर आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिविस लैबोरेटरी इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट जिसे हम कहते हैं उस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो ये शेयर काफी बेहतरीन शेयर है, अपने अपने उसके दिग्गज शेयर है, और जब भी चाहे आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में इन्हें खरीद सकते हैं, जब भी नीचे आए यहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई पोजीशन लेना, और चैनल को सब्सक्राइब, हमें जितना हो सके सपोर्ट करना, और ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।